इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने वन प्लस के मोबाइल फोन में एक सेटिंग मिल रहा है अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग का, तो ये सेटिंग क्या होता है और आप इसे ऑन और ऑफ करके इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने वन प्लस मोबाइल फोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें आपको यहाँ मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ मोर सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। और जब आप मोर सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग का। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन मान लीजिए आया और आप दोस्तों उसको अभी नहीं देखना चाहते हैं, आप व्यस्त हैं, तो अगर आप उस नोटिफिकेशन को अभी नहीं देख कर उसको हटा देंगे स्वाइप करके, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको दोस्तों कुछ देर के बाद फिर से आपके सामने वही नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जो है फिर से उसे जो है देख सकते हैं लगभग 10-15 या दोस्तों तो एक घंटे के अंदर जो है दोबारा से फिर से दोस्तों वही नोटिफिकेशन आपके सामने स्नूज होकर आएगा। मतलब आपको दोस्तों जो है नोटिफिकेशन रिमाइंड किया जाएगा देखने के लिए, जिसको आप देखना भूल जाते हैं। सो इस तरीके से आप दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करके यूज कर सकते हैं, और बंद कर देंगे तो सिर्फ एक ही बार कोई नोटिफिकेशन आएगा, चाहे आप देखें चाहे नहीं देखें, दोबारा नहीं आएगा। इस तरीके से आप दोस्तों जो है वन प्लस के मोबाइल फोन में अलाउ नोटिफिकेशन स्नूजिंग सेटिंग को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।